आप सब हजरात मिलकर अल्लाह का नाम बुलंद कीजिए, अल्लाह कहिए। ये सिर्फ अल्लाह कहना है अभी, जरा और मुनज्जम होकर दिल की गहराइयों से अल्लाह, आपने अल्लाह कहा तो आपकी सफों से दहरिया निकल गया। दहरिया कहता है मैं तो हूं, खुदा नहीं है। दहरिया कहता है मखलूक तो है खालिक नहीं है। दहरिया कहता है तसनीफ तो है मुसन्निफ नहीं है। दहरिया कहता है हिकमत तो है हकीम नहीं है। दहरिया कहता है नज्म तो है नाजिम नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई ये कहे कि मेज तो है लेकिन उसका बनाने वाला नहीं है, अगर कोई ये कहे कि किताब तो है लेकिन उसका लिखने वाला, किताब है लेकिन उसके लिखने वाला नहीं है, अगर कोई ये कहे कि गाड़ी तो है लेकिन उसका चलाने वाला नहीं है, ये फितरी बात है या गैर फितरी बात है? ये जो दहरिया हैं, कम्युनिस्ट हैं, उनकी मंतक ये है और दावा ये है कि हम शनासाए फितरत हैं। अगर आप रेड लिटरेचर को स्टडी करें, अगर आप सुर्ख लिटरेचर का मुताला करें तो उनका दावा यह है कि हम शनासाए फितरत हैं, रुमूज फितरत को हम जानते हैं। और मैं साबित करता हूं कि सबसे बड़े फितरत के दागी यही हैं, जो किताब को मानता है और मुसन्निफ को नहीं मानता, जो तामीर को मानता है और मेमार को नहीं मानता, जो सनअत को मानता है और सन्ना को नहीं मानता, जो हिकमत को मानता है और हकीम को नहीं मानता, जो मखलूक को मानता है और खालिक को नहीं मानता, जो गाड़ी को मानता है और ड्राइवर को नहीं मानता, वो फितरत का शनासा है या फितरत का बागी है? फितरत का बागी है ना। हमने कहा अल्लाह, हमारी सफों से कौन निकल गया? दहरिया। याद रखना, ये फर्स्ट लेसन। हो सकता है मैं अगली मुलाकातों में कहीं आपसे ये सवालात कर लूं और इम्तिहान ले लूं। हमने कहा अल्लाह, हमारी सफों से दहरिया निकल गया। जी नाज़रीन, आपने अभी बयान सुना, आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकन को क्लिक भी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक भरवक्त पहुंच सके। शुक्रिया।